अंडों से प्रोस्टेट कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। अंडे आपकी सेहत के लिए अच्छे हैं या बुरे, इस पर एक नई बहस छिड़ गई है। मशहूर है कि अंडा बेहतरीन गिजाओं में से शुमार होता है। इसमें गजाइत बख्श अज्जा की भरमार होती है। हाल ही में ब्रिटिश हार्ट फाउंडेशन ने भी अपनी वो सिफारिश वापस ले ली है जिसमें कहा गया था कि हफ्ते में 3 से ज़्यादा अंडे ना खाए जाएं, और इसके साथ ये भी कहा है कि अंडों से हार्ट अटैक और फालिज का खतरा बिल्कुल नहीं बढ़ता। लेकिन अब अमेरिका में रिसर्चर्स ने अपनी तहकीक के बाद बताया है कि उन्हें इस बात के शवाहिद मिले हैं कि अंडे खाने से मर्दों में प्रोस्टेट कैंसर से हलाकत का खतरा नुमाया तौर पर बढ़ जाता है। बोस्टन में हार्वर्ड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ की टीम ने 14 ईयर्स तक यानी कि 14 साल तक 27,000 मर्दों के खाने की आदत का जायजा लिया। उन्होंने देखा कि ज़्यादा गोश्त खाने और रसोलियां बनने में अगरचे कोई नुमाया ताल्लुक नहीं था, लेकिन जो लोग ज़्यादा अंडे खाते रहे उनमें कैंसर से अमवात की शरह ज़्यादा थी। उनकी रिपोर्ट में बताया कि जिन मर्द हजरात ने हफ्ते में 2.5 अंडे या उससे ज़्यादा अंडे खाए उनमें मोहलिक प्रोस्टेट कैंसर का खतरा हफ्ते में आधे से कम अंडा खाने वाले के मुकाबले में 81% ज़्यादा था। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि इस सिलसिले में वजीद तहकीक की ज़रूरत है। ताहम बालिग अफराद को अंडे खाने में एहतियात का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। दूसरी जानब बरतानिया में कैंसर से मुतालिक फलाही तंजीमें ये कहती हैं कि प्रोस्टेट कैंसर में अंडों को यकीनी तौर पर मुलवस करना फ़िलहाल मुनासिब नहीं, क्योंकि इस तहकीकी जायजे में जिन मर्दों ने ज़्यादा अंडे खाए थे और बाद में उनमें कैंसर का ख़तरा बढ़ा हुआ देखा गया था, बहुत मुमकिन है कि वो सिगरेट भी पीते हों और उनका वज़न ज़्यादा हो, उनकी खुराक नाकिस हो और वर्जिश भी कम करते हों। ऐसी सूरत में सिर्फ अंडों को मुर्दे इल्ज़ाम ठहराना दुरुस्त नहीं। तो इस हवाले से मज़ीद तहकीकात जारी हैं और जिनके ज़रिए ये सही अंदाज़ा हो सकेगा कि क्या वाकई अंडों का ताल्लुक कोई ताल्लुक है प्रोस्टेट कैंसर में या नहीं।